हाय एवरीवन, हेलो प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स। इंडिया के टॉप 3 मेडिकल कॉलेजेस का कट ऑफ क्या होगा अकॉर्डिंग टू द नीट 2023 रिजल्ट्स, जो कि एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया है, और जो 2022 का डेटा है, अगर हम दोनों चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो हमें यहां पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने को मिल सकता है। कौन से वो 3 टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं जो हमेशा स्टूडेंट्स के ड्रीम में आते रहते हैं, जहां जाने का आप सभी लोगों का सपना है? तो पहला मेडिकल कॉलेज है एम्स दिल्ली, दूसरा है MIMC और तीसरा है AFMC। आज इन तीनों मेडिकल कॉलेजेस के कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले एम्स दिल्ली की बात करते हैं तो जनरल का कट ऑफ रहा था 706 बेटा लास्ट ईयर, SC का कट ऑफ रहा था 677 और ST कैटेगरी का कट ऑफ रहा था 657। MIMC का कट ऑफ रहा था लास्ट ईयर 675, SC का रहा था 572 और ST कैटेगरी में 645 ये कट ऑफ रहा था। AFMC की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स का अलग अलग कट ऑफ होता है बेटा, तो बॉयज़ का जो कट ऑफ था वो था 615 और जो गर्ल्स थी उनका कट ऑफ था 627। अब बच्चों, ये कट ऑफ तो आपने देख लिए 2022 के हिसाब से थे, अब 2023 में क्या हो सकता है? तो देखिए, पेपर के लेवल की अगर हम बात करें तो इस बार हम 2022 के कंपैरिजन में पेपर के लेवल को थोड़ा सा नीचे रखेंगे, क्योंकि बायो जितना लेंदी 2022 में था उतना इस बार नहीं था, जिससे पेपर करना थोड़ा सा आसान रहा। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो 2022 में भी मॉडरेट थी, 23 में भी मॉडरेट थी, और फिजिक्स की अगर हम बात करें तो 22 में भी आसान थी, 23 में भी काफ़ी आसान रही है। इसीलिए इस बार 2023 में हिस्ट्री रिपीट हुई है, और अगर आप देखोगे तो 2020 में भी बच्चों ने 720 आउट ऑफ 720 स्कोर किया था, उसी तरह से इस बार भी 720 आउट ऑफ 720 का स्कोर ऑलरेडी आ रखा है। तो आप देखिए, अगर ये जो मार्क्स आपको यहां पर मैंने स्क्रीन पर दिखाए हैं, इसमें अगर आप इतने नंबर भी लेकर आ रहे हैं या इससे प्लस 5 मार्क्स लेकर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, क्योंकि कट ऑफ जो है वो लगभग बराबर या उससे थोड़ी सी ऊपर जा सकती है, नीचे जाने के चांसेस मेरे हिसाब से बहुत कम लगते हैं, मेरा पर्सनल ओपिनियन है बेटा। तो यहाँ पर अगर आप एम्स की बात कर रहे हैं तो 706 या फिर 710 तक कट ऑफ रह सकता है, क्योंकि जिस तरह का पेपर था। MIMC की अगर हम बात करेंगे तो 670 से 675 आप यहां पर कट ऑफ ले सकते हैं बेटा, और अगर AFMC की बात करेंगे तो अगेन वही 615 टू 620 जा सकता है कट ऑफ, एंड गर्ल्स की अगर हम बात करेंगे तो आराम से यहां पर 625 टू 630 के बीच में ही कट ऑफ रहने वाला है। तो आई एम श्योर आप लोगों ने अपना रिजल्ट चेक कर लिया और उसके अकॉर्डिंग आपने अपने मार्क्स भी यहाँ पर देख लिए होंगे, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, आप लोगों ने काफ़ी मेहनत करी, फाइनली आपकी मेहनत रंग लेकर आई है। अब वो बच्चे जिनका रिजल्ट ठीक नहीं आया है, जिनको नंबर जो एक्सपेक्टेड था वो नहीं आया है, तो आपको परेशान, निराश, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये सोचना है कि मुझे एक और हुंकार भरनी है, मुझे एक और बार ज़ोरदार तैयारी करनी है, क्योंकि जिस दिन आपने शुरू किया था उस दिन में और आज के दिन में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। आई एम श्योर आपको बुरा तो बहुत लग रहा होगा नंबर कम आने का, लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, आप मेहनत एक और साल करके और अपना स्वर्णिम भविष्य लिख सकते हैं। बस ये याद रखिएगा कि मेहनत की कलम में हिम्मत की शाही नहीं ख़त्म होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि मेहनत तो आपको करनी है, हिम्मत का उसमें बड़ा साथ है। तो अगर आपके मेहनत की कलम में हिम्मत की शाही रहेगी तो आप बेहतरीन इतिहास अपना लिख पाएंगे, ठीक है जी? चलिए, सो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, आनंद में रहें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगले किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, आनंद में रहें, टेक केयर।